नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक ऐसे स्टॉक को लेके आए हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस तरह की कंपनी में जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम इसी तरह की एक ऐसे कंपनी को लेकर के आए हैं जो कंपनी अपने इन्वेस्टर को हर साल 1:1 का बोनस भी देती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस कंपनी के जो पकड़ है वो वर्ल्ड लेवल पे इसकी पकड़ है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को फ्रेंड्स आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उसे हम डिटेल में बताए हैं। अगर आप उस पॉइंट को मिस करिएगा तो लास्ट में डेफिनेटली आप यही मुझसे क्वेश्चन करिएगा कि सर, आप इसके बारे में तो कुछ बताएं ही नहीं और ये कंपनी बहुत ही ख़राब है। बट फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को कितनी बार बोनस दिया है और इसकी लिस्टिंग NSE पे कब हुई है और वो कंपनी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को दो बार बोनस दे चुका है, पहला 18 मार्च 2021 को और दूसरा 14 मार्च 2022 को, और इस कंपनी की लिस्टिंग 4 अप्रैल 2016 को हुई है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स इनका इसी तरह का बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा तो आने वाले समय में ये स्टॉक इन्फोसिस और विप्रो को भी पीछे छोड़ सकती है। अगर फ्रेंड्स 18 मार्च 2021 से पहले आपके पास अगर इस कंपनी के 1000 शेयर रहे होंगे तो आज के डेट में आपके पास इस कंपनी के 4000 शेयर हो गए होंगे। अगर 10 साल तक ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को इसी तरह से बोनस देता रहा तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वो आने वाले समय में क्या इन्फोसिस और विप्रो को पीछे नहीं छोड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यूअसली 2021 से ही बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कंपनी IT सेक्टर की कंपनी है और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ये कंपनी जानी जाती है और इसके जो कस्टमर हैं इंडिया में वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और इसके जो वर्ल्ड में कस्टमर हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज का जो इस समय आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इनका पकड़ वर्ल्ड में कहां कहां है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो वर्ल्ड में प्रेजेंस है वो पहला इंडिया में, दूसरा UAE, तीसरा सऊदी अरब, चौथा ओमान और पांचवा USA। और फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो आने वाले 2 साल का जो टारगेट है वो UAE में नंबर 1 कंपनी बनने का लक्ष्य है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होती है 84% वो फॉरेन से ही जनरेट होती है फ्रेंड्स, और इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 16% ही रेवेन्यू जनरेट ये कंपनी करती है। इसके बावजूद भी इस कंपनी का जो पकड़ है इंडिया में बहुत ही अच्छा पकड़ है और बड़ी बड़ी कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कंपनी कौन सी है इंडिया में जिसके साथ इनका टाई अप है, गवर्नमेंट कंपनी से लेकर के प्राइवेट कंपनीज तक इसके कस्टमर है फ्रेंड्स। यहां आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के इंडिया में जो कस्टमर है IOCL, BPCL, HPCL, इसके अलावा फ्रेंड्स HUL, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, पेटीएम एट्सेट्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनी इसके कस्टमर है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इन्होंने 2021 में Jio के साथ एक करार भी किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि Jio e-commerce के साथ इन्होंने करार किया है 2021 में। Jio ग्रुप की भी कंपनी इससे जुड़ चुके हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जितने भी ट्रांजेक्शन अब किए जा रहे हैं वो अधिकतर ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो इस कंपनी के पास होती है, और इस तरह की कंपनीज उस सिक्योरिटी को अच्छे तरह से मैनेज करते हैं ताकि किसी भी कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके, या फिर UPI के थ्रू करते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या फिर जितने भी प्रोसेस हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, वो सारे ट्रांजेक्शन पे ये कंपनी नज़र रखती है और उस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरह से पूरे वर्ल्ड में छाने वाला है और इस पे इस कंपनी का जो पकड़ है वो पूरे वर्ल्ड पे है और UAE में, तो ये कंपनी आने वाले 2 साल में नंबर 1 होने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल की कि ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, इन्फीबीम एवेन्यूज का जो अभी मार्केट कैप है वो शानदार 3,640 करोड़ का शानदार मार्केट कैप है और इसका अभी करंट प्राइस
13.60 रुपया है और इसका 1 ईयर का हाई 28.01 रुपया है और 1 ईयर का लो इनका 12.05 रुपया है और इस स्टॉक का जो पी है 43.5 का है जबकि इनका बुक वैल्यू 11 का है फ्रेंड्स। वहीं ये कंपनी 0.18% का डिविडेंड भी पे करती है। इस कंपनी के फेस वैल्यू 1 की है और इसके कोई भी शेयर गिर भी नहीं पड़े हुए हैं। वहीं इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 30.6% है जबकि इसमें पब्लिक की होल्डिंग 61.9% है। बट फ्रेंड्स इसमें 61.9% जो आप होल्डिंग देख रहे हैं पब्लिक में, इस सेक्टर में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनकी इसमें हिस्सेदारी करीब 30% से ज़्यादा की है फ्रेंड्स। और अगर FIIs की बात करेंगे तो इसमें FIIs की भी शानदार होल्डिंग है और 7.01% की FIIs की भी होल्डिंग है। इट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर की भी दिलचस्पी इस स्टॉक में है फ्रेंड्स। तो अगर हम तीनों को मिला लें, प्रमोटर्स की होल्डिंग और बड़े इन्वेस्टर की जिनकी होल्डिंग इसमें 1% से लेकर के 11% तक है, अगर सभी को मिला लें तो करीब 70% से ऊपर की होल्डिंग इसमें जाती है और रिटेल इन्वेस्टर की इसमें सिर्फ और सिर्फ 30% की ही हिस्सेदारी है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड इस कंपनी के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 21 लाख का ही कर्ज है जबकि इस कंपनी के पास रिजर्व में जो पैसे पड़े हुए हैं वो 2,690 करोड़ का है जो शानदार रिजर्व है। और ये इतना बड़ा रिजर्व कंपनी के स्ट्रांगनेस को दर्शाता है कि कंपनी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने मैंने इस कंपनी के मोटा मोटी जो फंडामेंटल है उसे प्रेजेंस किया है जबकि इस कंपनी के बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके बारे में हम आपको नहीं बताए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि हम लोगों को इस स्टॉक में परचेज अभी करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स हम आपको कहना चाहेंगे कि इस स्टॉक में अभी से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप उठाना स्टार्ट कर दे। बट फ्रेंड्स इतना याद रखें कि एक बार सारे के सारे पैसे इसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करते जाएं। आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। बट फ्रेंड्स इस स्टॉक के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया है ये मेरा खुद का डिस्कशन है, इट मीन्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह की वैल्यूएबल स्टॉक के लिए जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।